बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैतून है क्या? ये एक पौधा है और ये बड़ा जो है ना लंबी उम्र का ये पौधा है। कुरान और हदीस में भी इसका जिक्र है। इसके फ़ायद बहुत ज़्यादा हैं, ख़ास तौर पे जो दिल के मरीज़ हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा है। फिर ये शुगर वाले मरीज़ जो हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। अगर वो आयल इसका 2 चम्मच सुबह खाली पेट दें, 2 चम्मच जो है ना रात को सोने से पहले अगर मरीज़ ले तो वो तमाम दुआओं से जो है ना वो बच सकता है। इसी तरह बवासीर के पेशेंट हैं या मसल का कोलेस्ट्रॉल जिनका ज़्यादा है, वो मैदे के जो अमराज वाले लोग हैं ख़ास तौर पे उनके लिए, जो कब्ज़ वाले लोग हैं उनके लिए, मसलन इसकी अफादियत पे चले जाएं तो बहुत सी बीमारियों के लिए, वो एक हदीस के मुताबिक भी आता है कि ये 70 बीमारियों के लिए जो है ना ये शफा है। इसके साथ साथ फार्मर और क्या कर सकते हैं, इसका आयल निकाले वो बेच सकता है, फिर इसका अचार बना सकता है, इसका मुरब्बा बना सकता है, इसका जैम बना सकता है, इसकी शरबत बना सकता है, हत्ता कि इसकी चाय भी बन सकती है। चाय भी बना के वो सेल भी कर सकता है और अपने मेहमानों को, वो घर आए हुए लोगों को वो पिला सकता है। बाकी हमने तकरीबन 2006 में इस पे काम शुरू किया था। उस वक्त डायरेक्टर जो है ना बारी होते थे डॉक्टर आबद साहब, उन्होंने जब सुना तो बड़े खुश हुए। उन्होंने बल्कि मुझसे कुछ जगह भी मांगी थी कि आप मुझे दें और हम उस पर आपके साथ मिल के काम करना चाहते हैं। खुदा का करना ऐसा हुआ कि वो यहाँ से पोस्टिंग पे चले गए काटन सेंटर पंजाब में, काटन पे तो वो तो ना हो सका, लेकिन हमने कोशिश की, इसको चलाते रहे। फिर बारी का भी हमारे साथ आना जाना लगा रहा, तो वो बारी ने भी जब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया तो उससे भी हमने पौधे लेने शुरू कर दिए। मैंने कुछ 450 पौधों से ये स्टार्ट किया था और अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे पास जो है ना 15,000 से ज़्यादा पौधे जो है ना जैतून के हैं। उसमें ये जो ज़्यादातर जो पौधे हैं, कोई 2200 पौधे मैंने इधर उधर से ख़रीदे हैं, बाकी सारे के सारे जो है ना वो पौधे जो है ना बारी ने प्रोवाइड की दिए। बल्कि पौधे ही उसने नहीं प्रोवाइड किए, उसने टेक्निकल सपोर्ट भी दिए। जहाँ भी मुझे ज़रूरत पड़ी है, बाकी फार्मर को भी ज़रूरत पड़ी है, वहाँ पे बारी ने जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना तआवुन किया और आज तक वो करती आ रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें ये एक बड़ी जो है ना वो सक्सेस हमारी स्टोरी है कि मैं 2009 से जो है ना फ्रूट उठा रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी अचार मरबे ये चीज़ें बना के भी पूरा साल मैं सेल करता हूँ। इधर उधर फार्मर से भी ले लेते हैं हम, ताकि जो है ना वो फार्मर का भी फ़ायदा हो। तो इस पे बहुत सा काम किया जा चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी हो रहा है, कर रहे हैं हम, कोशिश में लगे हुए हैं कि ये लोगों तक जो है ना पहुंचे और लोग इससे फ़ायदा उठाएं। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जैतून के जो काश्तकार हैं, ये जिस तरह हम इस पे काम कर रहे हैं, तकरीबन 1 एकड़ में से ना तकरीबन 1.5 से 2 लाख तक ना उसकी आमदन हो सकती है, वो ले सकते हैं। ये सिर्फ फ्रूट की हद तक, अगर वो बंदा फ्रूट में से आयल निकलवा ले तो वो इससे ज़्यादा जो है ना वो 2.5-3 लाख तक भी कमा सकते हैं। अगर फिर इसी फ्रूट को अगर वो प्रोसेस कर ले, ठीक है, इसका अचार बना ले, मरबा बना ले, इसकी चटनी वगैरह बना ले, या इसकी चाय वो सेल करे, अगर ये इसकी प्रोडक्ट इसकी तैयार करके वो सेल करे तो वो 4 से 6 लाख तक भी वो कमा सकते हैं। तो ख़ास तौर पर वो लोग जो अपनी ज़मीन से 1 एकड़ से जो है ना वो 10,000 भी सालाना नहीं ले सकते, जैतून लगा के वो अच्छा प्रॉफिट जो है ना वो ले सकते हैं, क्योंकि